मुसद्दिक क्या मिलेगा ये कहाँ लगाना है, मैं लगा देती हूँ। अब ठीक है, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चंस करें जी मुझे। अच्छा मैडम ये बताइए कि इससे कबल आपकी जमात कहती थी कि फौज के अंदर तकसीम है, क्या आज भी तकसीम है या वो तकसीम खत्म हो गई है? मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की स्टेटमेंट कभी भी मेरी जमात में से किसी ने दी, मेरा नहीं ख्याल। आपने मुझे मैडम जो माजी में आपने फैज हमीद के बारे में बयान दिए हैं, क्या आप आज भी उन्हीं बयान पर कायम हैं? देखिए वो बयानात फैक्ट्स पे मबनी थे और फैक्ट्स कभी नहीं बदलते। साहब क्या कहेंगे आप, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सलाब से इस्लामाबाद देने की बातें कर रहे हैं कि पूरा मुल्क जाम कर देंगे, इस्लामाबाद कह रहे हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है, तो हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात के बारे में? देखिए मैं ये समझती हूँ कि अब ज़रा काइंडली खामोशी इख्तियार करें ताकि मैं बात कर लूँ, शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ये बात की थी और मैं ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि एक शख्स जो कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की, और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है उन ताकतों ने जो पाकिस्तान को आगे चलता हुआ नहीं देखना चाहती, और पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें, उन्होंने उसको फंड किया है, और ये कोई तखयलाती बात नहीं है, इसका एविडेंस एक एक सफ़े पर ईसीपी के डिसीजन में है कि इसको किन किन लोगों ने फंड किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है, तो वो शख्स तो यही करेगा, चाहे वो हुकूमत में हो, वो तब भी यही करेगा। जब वो हुकूमत में था तो उसने IMF के साथ जिस तरह की डील की, जिसके नतायज आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है, और पाकिस्तान की मईशत को इसने तबाही के धाने पर पहुंचा दिया, लैंड माइंस बिछा के चला गया, जिसको आज ना हुकूमत अपना सर तोड़ कोशिश के बावजूद एक एक करके चुन रही है, बेहतरी के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप ये देखें कि जो कुछ वो करके चला गया इस मुल्क के साथ, लॉन्ग टर्म उसके बहुत इम्प्लिकेशंस हैं, और आप ये भी एक देखें कि जाते जाते फिर वो IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके खुद ही जो मुआहदा किया था और उसमें स्टेट बैंक को भी गिरवी रख गया और फॉरेन एजेंट्स को लगा के चला गया, फिर वो जाते जाते वो मुआहदा भी फाड़ के चला गया, प्राइसेस ड्रॉप करके चला गया, और आप ये देखें आज तक पाकिस्तान की मईशत उस अटैक से संभल नहीं पाई। तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रटर्निटी हो, चाहे वो हुकूमत हो, मैं समझती हूँ कि सबको इस चीज़ पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी शर से ना किसी का बेटा महफूज है, ना किसी की बेटी महफूज है, ना किसी की बीवी महफूज है, ना किसी का कोई रिश्तेदार महफूज है। तो ये
इस शख्स को जिस तरह जो जज थी ज़ेबा, जिस तरह से इसने उसको जलसे में खड़े होके उनके बारे में इस तरह के कलमात अदा किए, मैं समझती हूँ कि ये शख्स वही कर सकता है जो जिसकी या तो दिमागी सेहत जो है वो जिसकी सैनिटी क्वेश्चन पे हो, या फिर वो शख्स जिसको पैसे देकर जो कि साबित हो गया इस मुल्क के खुद की तबाही के लिए लॉन्च किया गया। और दूसरी आपने सैलाब की बात की, हमारे मुल्क पर एक आफत आई हुई है, अल्लाह ताला सैलाब जिदगान को जल्दी उनके अब घरों में आबाद करे, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये देखे बगैर कि कौन सा सूबा किस जमात के पास है या किस जमात की हुकूमत है किस सूबे में, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो हर जगह जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, एक्चुअली जाके मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए, बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब जदगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर, आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फोटो सेशंस के लिए, सैलाब जदगान को ये मदद की ज़रूरत नहीं। उनको ये एहसास होना चाहिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है और KPK में उनकी हुकूमत है और यही दो जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए हैं। तो आप जिस जगह पे आपकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल के पतली गली से फरार नहीं हो सकते। आपका सबसे बड़ा स्टेक है इस गवर्नमेंट में, आप जिम्मेदार हैं। खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी, अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगे? देखिए, मैं एक तो जब ये सवाल उठेगा कबल इस वक्त मैं स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूँगी, ये गुनाह है या नहीं? एक सेकेंड। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है, उस शख्स का नाम फितना खान है, उसका काम ही फितना डालना है। और मैं अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं, आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सालार की तारीफें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी, फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफर भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हों तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगु करूं, मैं अपने असूल पे खड़ी। मैडम ये फरमाइएगा कि खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन की तारीख दी जाए तो तमाम चीजों पे बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं और सुबह चौधरी साहब के हवाले से भी कहा है कि मैं माजरत करने के लिए तैयार। देखिए मेरी बात सुने, पहले आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होके, बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है ना कि जो कुछ आपने करना था वो कर दिया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए क्योंकि अपनी ज़ात पे बात आ गई है तो डिसक्वालिफिकेशन से बचने के लिए आप ये कर दें, ये ऐसा नहीं होगा। ये हम सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नज़र में सब बराबर हैं, और यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह, दानियाल अजीज़ साहब की तरह कोई बेचारा अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं था, माफ़ी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ, तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लबादा ओढ़ा हुआ है, तो ये काबिले माफ़ी नहीं है चीज़। और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी। एक सवाल आपने और किया, वो क्या किया? इलेक्शन की डेट मिल जाए तो मुज़ाकरात के लिए, बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KPK असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इनकलाब जिसकी अभी अभी एक्सपायरी हुई है ना, ये जो जाली इनकलाब था 2 महीने से ज्यादा चल नहीं सका और आज फिर अपना CV लेके घूम रहे हैं
और बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं, वो बैसाखियाँ जो हट चुकी थी अब वो बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। तो ये जो जत्थे लाकर प्रेशर डालकर जो इलेक्शन हो या कोई और हो, ये कोई जत्थों के साथ प्रेशर के साथ कोई जो भी ये बुली करने का तरीका है ना, इस पे ना हुकूमत को इस इंसान की कोई बात सुननी चाहिए, ना इसको कोई स्टेक होल्डर समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की तबाही है, स्टेक होल्डर नहीं है। सॉरी, आपका सवाल गलत है। जब भी वो कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते। मैडम लास्ट टाइम, आई एम सॉरी, आपका सवाल गलत है। आपको याद है ना पहले जो कॉल दी थी, तो वो इंकलाब हवा में लटका रह गया और वापस चला गया। एक सेकेंड प्लीज, वन बाय वन, मैं हूँ ना, इधर ही हूँ, सबके सवाल लूंगी। जी, मजहब कार्ड के नुकसान हमें देख के हमेशा नुकसान हुआ है। जो जावेद लतीफ ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है, क्या आप दुरुस्त समझते हो उस मजहब कार्ड इस्तेमाल? देखें, मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली समझती हूँ और इसी चीज के मैं खिलाफ हूँ कि सियासत के अंदर मजहब एक बहुत बहुत इज्जत और तकरीम वाली मुकदस चीज है, उसको सियासत जैसी घटिया चीज़ों के लिए, अपनी ज़ाती सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि मैं नहीं, अपनी ज़ाती सियासत के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए मैं कह रही हूँ। सियासत तो बहुत बड़ी, सियासत तो इबादत है, अगर उसको सही तरह से, सियासत सिर्फ इख्तदार की तगोदो नहीं है, सियासत इबादत है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपनी ज़ाती मकासद के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप मज़हब को इस्तेमाल करें तो वो बुरी बात है। और देखें, क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगत चुकी हूँ, मैं इस चीज़ की विक्टिम हूँ। एहसन इकबाल साहब ने गोली खाई, नवाज शरीफ साहब के ऊपर इन्होंने कीचड़ उछाला, और नवाज शरीफ जैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के ऊपर, एहसन इकबाल साहब भी ख़ानदानी मजहबी आदमी हैं, उनके मजहबी अकायद भी बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोगों को जब आप तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हो, तो उन जलसों में उन जो सिटेंस थे, जो धरने थे, उनमें इमरान खान जाया करते थे। मेरी वालदा का इलेक्शन था, एन ए 120 हुआ करता था वो, मैं उनका इलेक्शन, जब उनको कैंसर हो गया वो चली गई, मैंने उनका इलेक्शन लड़ा। आप यकीन करें कि पीटीआई ने अपना मुकदमा उधर लड़ा ही, इलेक्शन जो है वो तौहीन के ऊपर है। तो मज़हब को, और जिस जमात को इन्होंने मज़हब के लिए इस्तेमाल किया, उनके धरनों में जाके शामिल हुए, जब अपनी हुकूमत आई तो मस्जिदों में घुस के उनको शहीद किया, उन पर गोलियां चलाईं, निहत्तों को मारा। तो ये ड्रामा जो है ना, ये कौम के सामने आना चाहिए और इसको काइंडली मज़हब का की आड़ में छुपाने का मौका ना दें। मैं ये समझती हूँ कि जो शख्स, मज़हब आपका ज़ाती मामला है, ये मैं, आप नमाज पढ़ते हैं या कोई भी ज़ाती अमल करते हैं, आपका इबादत जो है वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन वो आपका ज़ाती फेल नहीं रहता जब आप जलसे के सामने खड़े होकर आप ये कहते हैं कि नून लीग को वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, और अगर मेरे मेंबर कोई किसी जमात में गए तो वो शिर्क है, जबकि वो ये भूल चुके हैं। अगर वो शिर्क की, आपको पता भी है शिर्क की डेफिनेशन क्या है? शिर्क की डेफिनेशन है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना। तो आप मज़हब अपनी सियासत के लिए, अपनी घटिया सियासत के लिए आप मज़हब की पूरी डिक्शनरी बदल रहे हैं, मज़हब का मतलब बदल रहे हैं, मज़हब का कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, और वो आपको भूल गया। अगर आपके बकौल ये शिर्क है, तो सबसे बड़े शिर्क करने वाले तो आप हैं, क्योंकि आपने खुद टीवी इंटरव्यूज में ये इकरार किया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को यूज़ करके अपनी हुकूमत में लोगों को वोटिंग के लिए लाया करता था। जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो सबसे बड़ा शिर्क तो आपने किया, जब आपने अपने, सिर्फ अपोजिशन के नहीं, अपने सेनेटर्स के लिए भी वोट करने के लिए, अपने MNAs को वोट करने के लिए भी आपने कंटेनर्स में एस्टेब्लिशमेंट से बंद कराया। तो आपकी मज़हब की डेफिनेशन जो है वो इक्तदार में होते हुए बदल जाती है, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपकी मज़हब की डेफिनेशन बदल जाती है। फिर मेरा जो बतौर माँ और बतौर पाकिस्तानी, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज़ पे बात करूं। जब आप एक मजमे के सामने खड़े होकर आप मज़हब को इस्तेमाल करते, आप ये कहते हैं कि आप क्या तशरी कर रहे हैं, आगे आपके नौजवान खड़े हैं, लोग खड़े हैं, वो अपने घरों में इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं उनको? आप उनको ये कह रहे हैं कि मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाता हूँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है वो आपने बिल्कुल सियासत बना दिया। फिर आप ये कहते हैं कि अभी इसने रिसेंटली, हाँ क्या बात की कि जो इसकी रिसेंट स्टेटमेंट थी वो क्या थी? नहीं वो तो थी और भी,
कब्र में सवाल होंगे जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को जब आप ये कहते हैं कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया नबूवत को या जो दीन इस्लाम का मैसेज है उसको फैलाने के लिए, इसी तरह मुझे भी चुना गया, तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपने आईने में कभी अपना मकरूह चेहरा देखा है? आपकी पूरी जिंदगी किस चीज से इबारत है, कभी आपने देखी? और आप माइक पे खड़े होकर जुमले कसते हैं ख्वातीन को, आप लोगों को ललकारते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी आपने एक सच नहीं बोला, और आप अपनी इस चीज को इबादत से तशबीह देते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। तो मेरा तो प्रॉब्लम ये है बतौर माँ कि आप मज़हब का नाम इस्तेमाल मत करें, लोगों के जो मज़हबी अकायद हैं उनको ख़राब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अब आपका ज़ाती फेल नहीं। जब आप माइक के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो आपको ज़िम्मेदारी से बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। मरियम साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए कि नून लीग की हुकूमत आई थी, जो कहा गया कि दिवालिया हो रहा है तो उसके लिए हमको स्टैंड ले रहे हैं, डॉलर महंगा, हर चीज महंगी, हर चीज ऊपर जा रही है, ऊपर से 70 जो है आपने वजीर बना दिए, कंट्रीब्यूशन नून लीग की क्या है मुल्क की बेहतरी के लिए, कोई एक चीज गिनवा दें इन 6 महीनों। ओ भाई, एक सवाल का जवाब तो देने दे, मिक्स कर देते हो भाई। ये दोनों सवालों को मैं लिंक कर देती हूँ। देखिये, मैंने अभी आपको ये बात कही कि क्योंकि इतनी मईशत की बुरी हालत थी कि मईशत को रिवाइव करने के लिए भी चंद सालों की ज़रूरत है, चंद महीनों में ये काम नहीं हो सकता। अब वो हकूमत नहीं है जो हीरे की अंगूठियां लेकर फ़ैसला करती है, या जो फाइलों पे दस्तखत कराने के लिए वो, या ज़मीन लेने के लिए उनको हीरों की अंगूठियां या रिश्वत की ज़रूरत है। ये वो हकूमत है जो दिन रात एक किए हुए मुश्किल फ़ैसले लिए हैं। मैं समझती हूँ, भले मैं उन फैसलों को सपोर्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन ये बात सच है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत की रिवाइवल भी होगी इंशाल्लाह ताला। ऊपर से ये सैलाब आ गया है। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है, और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हकूमत हो या इत्तेहादियों की हकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ओन नहीं करती, और मैं ये इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूंगी, और मैं ये कहूंगी कि खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें, और आवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं, लोगों को जितनी उनकी तनख्वाह है उतना उससे ज़्यादा उनको बिल आया है, तो मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती, और इसको ठीक करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। हाउ एवर मैं ये समझती हूँ कि इसको मईशत का जो हाल इमरान खान करके चला गया है, डबो के चला गया, उसको टाइम लगेगा। सत्तर बुजरा आपने बना दी हालत मुल्क की, ये प्लीज ये थोड़ा वो किस लिए बने, सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी। खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं बहुत खतरनाक हो गया हूं अपने मुखालफीन के लिए। मैं तो पहले ये कह रही हूँ कि ये शख्स मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालफीन के लिए नहीं। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालफीन को इसको डील करना यूं इस ये काम है। देखिये, ये इंटरम में तो फैसले नहीं हो सकते, इंशाल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट जब आएगी, इलेक्ट होकर आएगी, 5 साल के लिए आएगी, तो ये पॉलिसी है, पॉलिसी बनाने के लिए ये अभी तो सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है मईशत को उसमें से निकालने के लिए, तो ये बेसिकली पॉलिसी डिसीजंस हैं जो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में जब एक स्टेबल हुकूमत आ जाएगी 5 साल के लिए, वो अपने पॉलिसी डिसीजंस खुद लेगी। मुझे अभी एक सहाफ़ी साहब, आपने शायद कोई सवाल पूछा था, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो मुदस्सर नारों के का जो केस है उसको टेकअप किया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, क्या देखिए, आपने इलेक्शन जो है आप पहले होते देख रही, या फिर हुकूमत जो है इमरान खान जो इस्लामाबाद का मार्च कर रहे हैं, माजरा करने आ रहे हैं, उससे निमटने की तैयारी कर रही है, आपकी क्या?
मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ, वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया कराया, आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। क्योंकि ये तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहा है, वही जो कोच साहब हैं वही दे रहे हैं। अच्छा मैडम, अभी आपने नाम एक लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो क्लियर कर दो, होने जा रहे हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? देखिए आइडियली इंशाल्लाह ताला जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे होना चाहिए, किसी बुली के किसी फॉरेन फंडेड फितना के प्रेशर पे कोई फैसला नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन को 5 साल बाद अपने टाइम पर होना चाहिए, और अपने टाइम पर उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अपने टाइम पे ही होगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? जब इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन के करीब पहुंचे तो जो लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो बैठेंगे और जमात जो है वो डिसीजन लेगी। अच्छा बस अभी आपने एक नाम लिया जनरल फैज हमीद का, सवाल के जवाब में ये बताइए कि जनरल फैज हमीद के अलावा भी कोई और था किरदार? वैसे मैं प्रिंसिपली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीएमएलएन ओनली, प्रिंसिपली आई एग्री विद दैट, क्योंकि जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो जमात सफ़र करती है बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता। तो मेरे आइडियली अगर ऐसा हो सके तो जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलहदा अलहदा होना चाहिए, ताकि जमात भी सफ़र ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं बिल्कुल नहीं भूली, नून लीग क्यों भूलेगी कश्मीर को? नवाज शरीफ साहब ने अपने 5 साल में जिस तरह कश्मीर का यूएन में भी खड़े होकर मुकदमा लड़ा था, वो तस्वीरें जो दिखाई थी बुरहान वानी साहब की, वो आज तक दुनिया को याद है, आज तक याद है। लेकिन ये जो कश्मीर के ऊपर सौदा कर, वो ट्रंप की पाँव में बैठ कर सौदा करने का जो ये करके आया था इमरान खान, ये नामोशी, इसके माथे से ये कलंक हटाया नहीं जा सकता। ये दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराएं, इनका तरीका यही है कि जिस चीज़ से अपने हाथ रंगे हो वो दूसरों पे थोप दो। इसी तरह ये जो अभी इन्होंने पहले जब निकले हुकूमत से तो इन्होंने कहा अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, और एंटी अमेरिका नारे अपने खुद भी लगाए और अपने जलसों में भी लगवाए, और कहा कि मेरे खिलाफ फॉरेन साजिश हो गई है और मेरे खिलाफ ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। तो आप इस शख्स की ज़हनी हालत देखें, ये मेंटली डीरेंज्ड आदमी है, और मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि मेंटली चैलेंज्ड है। आप ये देखें कि अब क्या हो रहा है, अब $25,000 पे डेविड फेंटन को हायर किया है कि सेनेटर्स और कांग्रेसमैन में लॉबी करने के लिए, जिस डेविड की नॉन पोजीशन है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ खड़ा रहा है और कैंपेन करता रहा है, उसको इसने हायर कर लिया है। तो मैं ये अभी जो एम्बेसडर राफेल आई थी उनसे खुफिया जो मीटिंग कर रहे थे, तस्वीर बाहर आ गई, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उनको क्या बता रहे थे। उनको ये बता रहे थे कि मैंने पहले ये ड्रामा किया कि मुझे अमेरिका ने निकाल दिया, और आज रेड कारपेट बिछा के उनके इस्तकबाल हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स की ज़हनी सेहत दुरुस्त ना हो, उसकी 3 दिन पहले की जो उसकी स्टेटमेंट है वो आज की स्टेटमेंट से ना मिलती हो, मैं उस बंदे के बारे में क्या बात करूं भाई। अच्छा मैडम, अभी आपने एक सवाल के जवाब में जनरल फैज का जिक्र किया, जी जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ रहे हैं, 2018 के बाद उनका कोई किरदार था या सिर्फ जनरल फैज आपका टारगेट है? मेरा टारगेट कोई भी नहीं है, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करती। मैंने जो फैक्ट्स थे वो मैंने सिर्फ बात नहीं की, वो मैं अदालत में भी लेकर गई। मेरा टारगेट कोई भी नहीं है, मेरा मुकदमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पे मबनी है जो फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स को आप नहीं बदल सकते। मरियम फराज गोगी के खिलाफ जो मुकदमा था वो ख़त्म कर दिया गया है, और आप हीरो की अंगूठी का भी अक्सर जिक्र करती हैं, तो वो हीरो की अंगूठी के स्कैंडल में क्या पेशरफ्त हुई है? मलिक रियाज को शामिल तफ्तीश किया जाएगा या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, मैं हीरो की अंगूठी का जिक्र नहीं करती, वो ये खुद कर रही हैं कि 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, 5 कैरेट का डायमंड चाहिए, क्योंकि फाइल पे सिग्नेचर्स होने। तो अगर पेशरफ्त नहीं हुई तो इस पे पेशरफ्त होनी चाहिए। मुझे हुकूमत से इस बात का शिकवा है कि मुझे नहीं पता कि पॉलिसी क्या है, मैं पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं हूँ, उनकी डिसीजन मेकिंग में भी मैं शामिल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या डिस्कशंस होते हैं।
लेकिन मुझे शिकवा है कि एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हुए हैं, वो अभी तक जो है वो किसी केस का, किसी सजा का उसको सामना नहीं है। तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू। Ha ha ha!